बहुत ही शानदार तरीके से आपके सम्मुख 8वें थिएटर ओलंपिक के उद्घाटन का शुभारंभ। ज्येष्ठ दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर जी, शाल श्रीकर और पुष्पगुच्छ, ज्येष्ठ निर्देशक आशुतोष गोवारीकर जी का शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर हम सम्मान कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे लगता है मुंबई शहर के लिए नहीं, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक सम्मान का, गौरव का क्षण है। और खासकर मुंबई और महाराष्ट्र के लिए गौरव का क्षण इसीलिए भी है, ऐसा कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र ऐसी भूमि है, इसके हर कोने कोने में अगर कुछ उपजता है तो वो नाटक उपजता है। मुंबई को, महाराष्ट्र को, पुणे को, नासिक को, नागपुर को, औरंगाबाद को, कोल्हापुर को, सोलापुर को, कणकवली को, जितने भी शहर है, जितने भी गांव है, ऐसा कोई गांव नहीं होगा इस महाराष्ट्र में जहां नाटक नहीं होता होगा। ऐसे महाराष्ट्र में 8वें थिएटर ओलंपिक्स का आज उद्घाटन हो रहा है, ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है। महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में मराठी नाटक, हिंदी नाटक, गुजराती नाटक, अंग्रेजी नाटक, इसके साथ साथ जितने भी यहाँ जिन जिन भाषाओं के लोग बसते हैं उन सारी भाषाओं का नाटक यहाँ आता है, दुनिया का यहाँ नाटक आता है। और 8वां थिएटर ओलंपिक्स भारत देश के लिए इसलिए गर्व की बात है कि आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक्स, आज तक का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल अगर कहीं हो रहा है तो वो भारत देश में हो रहा है। हमने सुना था फेस्टिवल ऑफ एविनॉन बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ एडिनबरा होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उसके साथ साथ हमारा भी भारत रंग महोत्सव जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में आयोजित करती है, वो भी बड़ा महोत्सव होता है। पर ये सारे महोत्सव किसी एक शहर से, किसी एक प्रांत से स्थित है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले महोत्सव नहीं है। थिएटर ओलंपिक्स हमने इसलिए, इसकी मेजबानी के लिए विनती इसलिए की, इसके पीछे की हमारी सोच ये थी कि जब हम दुनिया के अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, देशों में जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, जो नाटक को पढ़ाने वाली संस्था है, विश्व के नाटक के बारे में ओपिनियन मेकिंग करने वाली संस्थाएं हैं, वहां जब हमने कुछ संस्थाओं में जाके पहल की, सोचने की, समझने की कोशिश की, कई जगह ये पूछा गया कि इज देयर थिएटर इन इंडिया, जहां हम 3,000, 4,000, 5,000 साल के सभ्यता की, कल्चर की बात कर रहे हैं, जहां हम भरत मुनि के 2,500 साल पहले भास और भरत मुनि का नाम ले रहे हैं,
कालिदास भवभूति का नाम ले रहे हैं, महाकवि भास का नाम ले रहे हैं। इतने सालों की परंपरा लोक कलाओं की है, इतने सालों की परंपरा आदिम जनजातीय कलाओं की है, उसके बावजूद भी हमें अगर कोई सवाल पूछता है कि क्या आपके देश में संस्कृति पनपती है, रहती है, विकसित है या है नहीं, तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। ऐसे ही सदमे कई बार हमने झेले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि शेक्सपियर को ब्रिटिश समाज ने हम तक पहुंचाया। शेक्सपियर हमारे साथ रहे, सारी दुनिया के साथ रहे, क्योंकि आज भी हम शेक्सपियर। बर्टोल्ड ब्रेख्ट को जर्मन गवर्नमेंट ने, जर्मन समाज ने जानबूझकर अपनी विरासत की हैसियत से दुनिया तक पहुंचाया, और ब्रेख्ट हम तक रह गए, सारी दुनिया में रहे, क्योंकि उनके पास गुणवत्ता थी। उसी वैसे ही उदाहरण आपको दिखाई देगा कि हेनरिक इब्सेन, नॉर्वे समाज ने इब्सेन को दुनिया में पहुंचाया। आज दुनिया का जिसको कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर और फादर ऑफ रियालिज्म, रियालिस्टिक थिएटर, इब्सेन को माना गया। रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन समाज ने गोर्की हो, स्टेनिस्लावस्की हो, चेखव हो, हम तक पहुंचाया। ग्रीक समाज ने हम तक सोफोक्लीस और यूरिपिडीस और सारे सारे जो वहां के लेखक है उनको पहुंचाया। इसके बारे में सोचने के बाद हमने जब अपने आप को सवाल पूछते हैं कि भारत के समाज ने, भारत देश ने किसको दुनिया के पटल पर पहुंचाया, तो जवाब कुछ नहीं मिलता। हमारे पास भरत मुनि है, दुनिया का महानतम नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा हुआ हमारे साथ है, हमारे पास है। कालिदास जैसा महाकवि, कालिदास जैसा महानाटककार हमारे पास है, भास जैसे नाटककार हमारे पास है, भवभूति है, शूद्रक है, अश्वघोष है, हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर है, हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र है, हमारे पास आगा हश्र कश्मीरी है, हमारे पास विजय तेंदुलकर है, हमारे पास गिरीश कारनाड है, हमारे पास मोहन राकेश जी है, हमारे पास बादल सरकार है, महेश एलकुंचवार है, सतीश आगेकर है, आगे शफाक खान से देखे कई सारी लंबी लाइन हमारे पास है। आप बताइए, एक भारतीय समय, गोविंद स्वरूप जी हैं, कमलाकर सोनटक्के जी हैं, अजय अंबेकर जी हैं, किरण शांताराम जी हैं, नीतीश भारद्वाज जी हैं, हमारे कमेटी के मेंबर शफाक खान जी हैं, कांचन सोनटक्के जी हैं, यहाँ कौन नहीं। मुझे लगता है अश्विन गिडवानी जी भी हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लूंगा तो रात चली जाएगी और नाटक आप देखेंगे नहीं, क्योंकि नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फेस्टिवल नाटक का है। सारे मीडिया के दोस्त हैं, बाकी सारे माध्यमों के मित्र हैं, मैं आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और इतना ही कहूंगा, लॉन्ग लिव थिएटर। थैंक यू। इनका नाम ही प्राध्यापक बामन केंद्रे जी है, जो जो आज तक नामुमकिन लगा है उसको मुमकिन रूप में हम सब विद्यार्थियों की ओर से कह दियो कि हम खुश नसीब हैं कि आप जैसे गुरु हमने पाए हैं। संकल्पना ने ऑस्कर की उमंग जगाई, हर कलाकृति, विषय, प्रस्तुति समीक्षकों के ही नहीं, कलाकारों और दर्शकों के भी कैसे महासिनेमाओं का निर्देशन कर सिने जगत के जाने माने निर्देशक बने। मैं आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हूँ। नमस्कार। हिंदी बोलू कि मराठी बोलू असं माझं आकर चांगलं होतं, पण आता मला एक हे म्हणायचं की मला नेहमी असं वाटायचं की बामन केंद्रेजी एनएसडीचे डायरेक्टर झाले खूप मोठी गोष्ट आहे, फार चांगली गोष्ट आहे, पण तो मुंबईचा लॉस आहे, तो मुंबई थिएटरमध्ये मुंबई थिएटरचा लॉस असं मला आजपर्यंत वाटत। तुमचे शब्द ऐकल्यानंतर मला वाटतं की इट इज a big gain for Indian theatre. And the outstanding जो काम आपने अभी इतने इतने सारांश में हमको बताया, मुझे इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी कि आपको इतना प्रयास करना पड़ा to bring it here. I think it's a very very great achievement. अरे
विक्रम दा के साथ मुझे बहुत बार काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर. सो आई से वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स हु हैज ऑलवेज शेयर्ड स्क्रीन स्पेस विद हिम. एंड फ्रॉम हिम आई लर्नड व्हाट अ गिविंग एक्टर कैन बी. सो जब आप कैमरा फेस कर रहे हैं और आपके सामने कैमरा आप पर है और विक्रम जी आपके सामने अगर हैं और अगर आप लाइन कह रहे हैं और अगर आपको कुछ मिस हो गया, विक्रम जी इज द फर्स्ट वन टू टेल यू तो पॉज नहीं घेतला और एक तिथे पॉज घे आणि मग इकडे बघून मग मला ते सांग. ही वॉज ऑलवेज ही वॉज नेवर अन ऍक्टर हु वॉज डुईंग हिज जॉब एट गोईंग होम. सो आय रिअली हॅव लर्न सो मच फ्रॉम यू. इट इज लव्हली टू शेअर दिस स्टेज विथ यू. अँड तीन दिवसापूर्वी मला कोणीतरी विचारलं की आज तुझं काय कार्यक्रम आहे, म्हटलं नाही मी एनएसडीला तिथे मला बोलावलं तरी आणि तिथे ते वॉन्ट मी टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर. एनएसडीला तुझा काय संबंध आहे थिएटरशी? असं एक मिनिट, मला जरा बायोडेटा द्यावा लागला की माझी सुरुवातच थिएटरमध्ये झाली. मिठीवेमध्ये असताना माझा रेकॉर्ड मला नाही वाटत कुठल्याही ऍक्टरने तोडला असेल. तो म्हणजे तिन्ही वर्ष मी मराठी, गुजराती, हिंदी आणि इंग्लिश चारही भाषेतून नाटकं करत होतो आणि त्यामुळे भेटायचे. व्यावसायिक स्तरावर उसके बाद जब मैं मुझे प्रोफेशनल करना था थिएटर तो मैं ओम जी के ग्रुप में उनके साथ जुड़ा. नाटक का नाम बिच्छू था और मैं अंडरस्टडी था, मुझे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला. लेकिन एक मिथ मेरे लिए उस वक्त टूटी, वो ये थी जब हम कहते हैं कि मैं नाटक कर रहा हूं या मैं थिएटर कर रहा हूं, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक ऑक्यूपेशन आई टॉकिंग अबाउट. व्हाट यू मीन टू से इज मैं एक्टिंग कर रहा हूं स्टेज पर. इट डज नॉट मीन कि आप थिएटर कर रहे हो, बिकॉज थिएटर इज वास्ट. मुझे बिच्छू में मौका मिला टू सी हाउ द स्टेज इज बीइंग यूटिलाइज्ड, किस तरह से लाइट डिजाइन एंटिसिपेशन में क्या चलता है, किस तरह से द आर्किटेक्चरल वैल्यू ऑफ द स्टेज इज लेड आउट फॉर द एक्टर्स एंड हाउ ऑल ऑफ दैट कम्स टुगेदर टू क्रिएट द शो. दिस बिकेम अ वेरी बिग लर्निंग कर्व फॉर मी विद बिच्छू, फॉर विच आई रिमेन इंडेबटेड टू ओम जी. तो आज when I have so many directors, assistant directors who want to become directors, who want to come and meet me and you know they say that they want to do film, मेरा पहला सवाल उनको यही होता है, कभी आपने माना आपको फिल्में कब बनानी है, आपने फिल्में देखी, क्या आपने थिएटर देखा है, क्या आप क्लासिकल कॉन्सर्ट्स देखते हो, क्या आप म्यूजियम्स विजिट करते हो? और अगर आप ये सब नहीं करते और आपके पास अगर वक्त नहीं है तो प्लीज जाइए एनएसडी से फॉर्म लीजिए और एनएसडी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहां पे आपको एक कंसोलिडेटेड वे में यू गेट द होल सिस्टम्स इनटू प्ले. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक मेरे डायरेक्शन में थिएटर इज द फर्स्ट बेस दैट आई ऑलवेज यूज. फॉर मी द मीजान सीन ऑफ हाउ एक्टर्स मूव ऑन स्टेज, हाउ द कैमराज गोना मूव इज अ सेकेंडरी एस्पेक्ट. सो फॉर मी ऑल माई एंटायर ब्रेकअप ऑफ अ फिल्म इज एक्चुअली वेरी थिएट्रिकल एंड देन आई एम यूजिंग ओनली द कैमरा टू कैप्चर दैट थिएटर. सो इतना सब बोलने के बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे नमस्कार किया और कहा कि प्लीज आप जरूर जाइए. व्हाट आई फील मोस्ट फैसिनेटेड इन थिएटर इज इतनी ही स्पेस है हमारे पास, अनलाइक सिनेमा. सिनेमा में यू कैन डू व्हाट यू वांट, बट इस स्पेस में आपको आपकी कहानी बतानी, आप किस प्रांत से आते हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आपके ट्रेडिशंस क्या है, what background do you belong to, what religion do you belong to, all of this comes through what you are going to express on that stage. Your limitations only this. Now the art is how you are going to do that. And I have often attended festivals in Mumbai, in Pune, where I've tried to see what's happening, what is the theatre coming from Indore, what's the theatre coming from Bhopal, what's coming from Delhi, what's coming from Assam, what are the different aspects people are doing regardless of language. क्योंकि मुझे भाषा भी समझ में नहीं आती है, तो क्या नई चीज लोग ट्राई कर रहे हैं टू यूज दिस स्टेज, यूज दिस स्पेस.
एंड टुडे आई मस्ट टेल यू दैट ये 8 ओलंपिक्स जो आप लेके आए हैं, ये इंटरनेशनल स्तर के आप लोग हैं, और इससे बड़ी कमाल की चीज हमारे लिए नहीं हो सकती। हमें मौका मिलेगा, हम हमेशा सुनते हैं कबूकी थिएटर, कब देखेंगे हमको? हमको टोक्यो जाना पड़ेगा। लंदन हम जाते हैं तो लंदन में हम बहुत ही व्यावसायिक स्तर पे बहुत ग्रैंड म्यूजिकल्स देखते हैं, बट दैट नेसेसरी डज नॉट कैटेगराइज एज रियल थिएटर। दैट इज समथिंग विच इज एपिक, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ग्रैंड, एंड यू गेट योर वैल्यू फॉर मनी, एंड इट्स यू एंजॉय एंड यू गो होम, इट्स अ राइड। So, इस आपके जब मैंने पूरे प्रोग्राम में देखा दैट यू हैव सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज कमिंग, श्योरली आई एम टू अटेंडिंग, मुझे लगता है कि 8 नंबर जो है, शायद सबको पता है लेकिन मैं फिर भी बोल दूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ, 8 नंबर मीन्स इन्फिनिटी। तो ये अच्छा है कि हमारे यहाँ 8th ईयर में आया है, बिकॉज 8 थिएटर इज इनफिनिट एंड इट्स अ ग्रेट सिंगल फॉर अस। So, I really wish सारे जितने NSD के कोर टीम मेंबर्स हैं, आपकी टीम है, जितने मेरे यहाँ पे कलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो बैठे हैं, सबको एंड ऑल यू लवर्स ऑफ थिएटर, प्रोफेशनल्स हियर, आई एम टेकिंग ग्रेट जॉय शेयरिंग दैट जॉय विद यू ऑल टू पार्टिसिपेट एंड टू सी दिस, एंड आई एम सेइंग दैट ईच वन ऑफ अस टू लेट शुड टेल एटलीस्ट 10 पीपल, even if they are not interested and if they feel ke, you know, what is the entertainment, they should not think of that, force people to come and attend the festival and grow. Thank you so much, it's a pleasure to be here. Thank you so much sir. Marathi natak ho ya Hindi Marathi cinema ho, इनकी सशक्त अभिनय शैली ने हर किरदार को इस कदर निभाया कि किरदार भी एक मिसाल बन गया। वजीर, खुदा गवाह, अग्निपथ, हम दिल दे चुके सनम से लेकर नट सम्राट, उनके हर किरदार दर्शकों के दिल में यादगार बन के रहे। खरतर त्यांचे अभिनय शैली। ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।